क्या नहीं आप दे दीजिएगा कि क्या मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा और ऊंचा सम्मान है, वो तो मेरे लिए भगवान के तुल्य है, मैं तो सैल्यूट करूंगा। और ऐसे लोग डॉक्टर जितेंद्र मरगे सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, हमारी पार्टी की ओर से 5 लाख रुपया उनके बच्चों को हमने देने का निर्णय लिया है। और जो भी पुलिस कर्मचारी बिहार के कोरोना वायरस की सेवा में मरेंगे उनको हमारी पार्टी 1-1 लाख रुपया मदद करेगी। जब दिल्ली में 1 करोड़ रुपया की घोषणा हो सकता है तो मेरे यहां मेरे मुख्यमंत्री आखिर इतने निकम्मेपन क्यों है, इन लोगों के भीतर इतना कमजोर क्यों है? ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर क्या कारण है कि जनता इन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता। क्यों काहे, आज हालात क्या है? महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा किया कि कोई भी भाड़ा भाड़ेदार नहीं लेंगे, हम देंगे 3 महीना किसी से भाड़ा नहीं लेना, किराया नहीं लेना। का है कारण क्या है? महाराष्ट्र की सरकार घोषणा करती है, दिल्ली की सरकार ने कहा कोई फीस और कोई बस भाड़ा प्राइवेट स्कूल नहीं लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मेरे यहां क्यों हमारी सरकार इतना सौतेलेपन का व्यवहार करती है? क्यों इनके शरीर में अपने ही जनता के प्रति संवेदना मर चुकी है? क्यों डर है इन लोगों को? कारण क्या? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आगरा से 300 बस कोटा में कोचिंग करने वाले बच्चों को लाने जाएं। लेकिन बिहार के जो 8,000 से 13,000 बच्चे वहां पर भूख से मर रहे हैं उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी से कई बार, राजस्थान के सरकार से कई बार बात करके खाने भिजवाने का और सरकार की तरफ से मदद करवाने का मैंने लगातार प्रयास किया। जब इंग्लैंड जा सकते हैं, जब भूटान जा सकते हैं, जब बनारस से लोग जा सकते हैं, जब उत्तराखंड से गुजरात जा सकता है, तो फिर क्या कारण है? क्या मैं जानना चाहता हूं क्या कारण? ये एक बात बहुत समझ लीजिए, मेरी विनती है आपसे कि आपकी अहमियत नहीं है, आप इन नेताओं की नजर में आपकी मूल्य नहीं है। आप जाति हो जाइए, हिंदू हो जाइए, मुसलमान हो जाइए, सिख हो जाइए, आप भूख से मर जाइए, आप जानवर से बदतर जिंदगी जिए, आप बिलख बिलख के मर जाइए, घर से लोग निकाल दें आपको, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आप हमें बताएं कि आखिर क्यों। क्या प्रॉब्लम है मैं जानना चाहता हूं आप सबसे।
मेरी बहुत गहरी चिंता है, मैं बहुत परेशान हूं। आज बंगाल की मुख्यमंत्री पीडीएक्स के दुकान पर जाकर के जांच किया, 15 दुकानों पर गए, एक एक कण में मिल रहा है कि नहीं, सही अनाज मिल रहा है कि नहीं। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सेक्रेटरी को उन्होंने बदल दिया, 7 दुकान को डिसमिस कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब नेता मंत्री मुख्यमंत्री जिम्मेदारी को महसूस करके जनता के बीच नहीं रहेगी तो फायदा क्या है, जब पदाधिकारी ही काम करेंगे तो फिर हम जनता के पैसे पर ऐसो आराम क्यों कर रहे हैं। क्या आपने पानी में देखा इन नेताओं को, सत्ता पक्ष विपक्ष एमपी एमएलए किसी को? यही वो सुशील मोदी है जो पेंट पहन करके बीवी के साथ निकल गए थे, याद है कि भूल गए? मैं बीजेपी के भक्त को पूछना चाहूंगा, क्या यही कैरेक्टर है नेताओं का? भूल गए? जिसने अपने पड़ोसी के बच्चों का नमस्कार तक नहीं लिया था, 19 दिनों तक पानी में तड़पता रहा पटना, जिस पटना ने 30 साल दिया इस सुशील मोदी को, 15 साल दिया नीतीश कुमार को, लंबे समय से 15 साल दिया लालू यादव को, 40 सालों से क्या हासिल था? कोरोना वायरस ने बता दिया कि बिहारी सिर्फ कीड़े मकोड़े के लिए पैदा हुए, सिर्फ भगवान भरोसे या तो किस्मत के भरोसे। कभी निकले सीमान गए, मुंगेर गए, इतना बड़ा हॉट स्पॉट बन गया, कहां गया आप बताइए ना? क्यों मैं सारे बच्चों को भाड़ा लग रहा है? क्यों नहीं हो जी शिक्षक के सारे तनखे नहीं दिए जा? आपके पास एक एक प्रूफ मैं दूंगा। बिहार का एक आदमी अस्पताल में मरा हुआ है, फोन पर फोन कर रहा है, मेरे लाश नहीं छोड़। लुधियाना में एक परिवार 4 दिनों से बच्चे सहित हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा था कि मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चों को पेट भर दो। क्या हुआ? आप कोटा के बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे? आप मरने छोड़ देंगे मेरे बच्चों को? नेताओं का कोई बच्चा नहीं है इसीलिए, मंत्री संतरी और माफियाओं का बच्चा नहीं है इसीलिए, उनके बच्चे पीएमसी की तरफ भाग गए होंगे या वैशाली के संसद की तरफ भाग गए होंगे। आप बिहार में फायर ब्रिगेड के चालक के 600 चालक को लॉकडाउन में बर्खास्त कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग करना क्या चाहते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने 1,000 जहां बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग भी हैं बंगाल में और बाहर, जहां 1,000 रुपया उन्होंने कहा मैं अपने से चेक करके भेजूंगा। आपकी क्या चिंता है? लॉकडाउन के कारण क्या है हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर सरकार आपदा प्रबंधन विभाग कह रहा है 43,000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये रिपोर्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। 1229 एफआईआर कराया गया, अब तक कुल 46,700 वाहनों के लिए विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत 179 के तहत कार्रवाई की गई। जनता से 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए वसूल लिए गए लॉकडाउन में, जहां खाने के लिए पैसे नहीं है वहां जनता से बिहार सरकार गर्व से कहती है कि मैं 10 करोड़ रुपया वसूल लिया। बारे बार वो पैसा कहां गया जिसकी वसूली हुई? लॉकडाउन बिहारी मजदूरन व्यक्तियों के लिए उनके गांव में विद्यालय क्वारंटीन कैंप का संचालन किया जा रहा है,
14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, 1250 विद्यालय क्वारंटाइन कैंप, लगभग 1,800 व्यक्तियों को रखा गया है, 10,800 व्यक्ति, 2,50,000 लोग लौट के गए। मान भी लें आपका कि 10,800 व्यक्ति को आप रखे, 43,000 लोगों को आप खाना खिला रहे, कितना झूठ बोलते हैं।